हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, लेकिन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि हर बार हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है, एक फीजिबल रीजन प्राप्त होता है, और फीजिबल रीजन में हम कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, और उस कॉर्नर पॉइंट पे जो पॉइंट्स निकलते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखने के बाद अगर केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन का है तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता है, और मिनिमम वैल्यू देखते हैं तो वही हमारा ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन केसेस कि व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर यू गोइंग टू डील, व्हाट टाइप केसेस डू यू हैव। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, जैसे स्पेशल केसेस जैसे अनबाउंड सॉल्यूशन। देयर इज अ सॉल्यूशन बट अनबाउंड, बाउंड मतलब बंधा हुआ, अनबाउंड मतलब लिमिटलेस, जिसमें कोई लिमिट ना हो। तो देखिए कुछ लिखा है इसकी डेफिनेशन में, अ सिचुएशन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड डिसीजन वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये है डिसीजन वैल्यू, इंक्रीजेस इनफाइनाइट। इनकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ की ओर बढ़ती है, इनफाइनाइट की ओर, विदाउट वायलेटिंग द फिजिबिलिटी कंडीशन। मतलब बिना ये जो कंडीशंस आपको दे रखी है, बिना कोई भी कंडीशन वायलेट हुए जो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर मूव करती है। तो इस केस में हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट मिलेगी नहीं, लेकिन सोल्यूशन तो है लेकिन एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अनबाउंड सोल्यूशन। अनबाउंड सोल्यूशन को मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, लेकिन चूंकि केस है मैक्सिमाइजेशन का, तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो और भी वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको आप पुट करने पर जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो अनबाउंड है। हमें एक इनक्लोज एरिया चाहिए होता है, तभी तो हम उसके कॉर्नर पॉइंट अच्छी तरह से निकालते हैं। तो जब हमें इनक्लोज एरिया नहीं मिलता है, इनक्लोज पोर्शन नहीं मिलता है, इनक्लोज रीजन नहीं मिलता है, तो वो केस बन जाता है अनबाउंड सोल्यूशन का। आइए इसे सॉल्व करेंगे तो और चीजों को हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हर बार क्वेश्चन में जैसे करते हैं, हर क्वेश्चन में हम एक चीजें करते हैं कि सबसे पहले तो हम इनको कन्वर्ट कर लें कि लिखेंगे 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। तो लेट x1 इक्वल टू 0, सो x2 कितना आ जाएगा 3, और ए पॉइंट हो गया 0,3। लेट x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू 3/2। x2 अगर 0 कर दिया तो x1 आ गया 3/2, और अगर x1 0 किया तो x2, तो ये आपका बी पॉइंट बन गया, और यहां लिखेंगे 3/2, ये आपके दो पॉइंट्स आ गए। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग है, अगर आप इसमें कोई वैल्यू रखते हैं, देखिए यहां पर ये दे रखा है x2 - x1, तो आप देखेंगे जैसे एक जीरो रखोगे दूसरा भी जीरो आ जाएगा, तो ये तो श्योर है कि ये जो है वो ओरिजिन हो जाएगा अनडाउटफुली, लेकिन इसका रीजन किस ओर होगा ये एक क्वेश्चनेबल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको समझने के लिए हम यहां पर इसको ऐसे ले सकते हैं कि x2 x1, ये देखिए भाई, इसको जब हम इसको इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं और इस साइन को दूसरे डायरेक्शन में भेज देते, ये माइनस था प्लस हो गया और ये आपको रिजल्ट मिला। अब इसको इसको जरा गौर देखिए, तो ये क्या बता रहा है, ऐसा रीजन लो जहां पर x2 की वैल्यू बढ़े और x1 की वैल्यू घटे, ऐसे रीजन हो। तो अभी हम ग्राफ से इसको समझते हैं तब तो और आप अच्छी तरह से क्लियरफाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ग्राफ पर बनेगा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ये, और एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी इधर, ये आपका बच्चों x1 है, ये आपका x2 है। हमने इसमें 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब सबसे पहला है ए पॉइंट है 0,3, 0 ये रुके 3 के लिए गया, तो ये आपका ए। दूसरा 3/2 मतलब 1.5, 1.5 मतलब ये बी हुआ, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये आपका बना ए बी लाइन। लेकिन अब इसमें ये हमें देखना होगा क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है,
तो जैसे आप जीरो जीरो रखेंगे, जीरो इज ग्रेटर देन थ्री बता रहा है, जो कि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो किधर होगा बच्चों, ऊपर की ओर, ऊपर, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। गुड, अब सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट आप देखिए, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन। अब ये तो लाइन श्योर है, देखिए अगर रफली पहले समझते हैं, ये लाइन तो श्योर है कि ये लाइन ये हो जाएगी। अब ये नहीं, हम ये तो यहां पर क्लियर है कि एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन ये होगी, लेकिन ये लाइन का इंक्लिनेशन किधर होगा, इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ये हमें, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए हम यहां इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, एक्स टू की वैल्यू ज्यादा है और एक्स वन की वैल्यू क्या है, कम। एक्स टू की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो एक्स टू की वैल्यू कैसे ज्यादा होगी, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू, जब हमारा ग्राफ इस तरह का होगा। तो देखिए इस अवस्था में एक्स टू हर बार मैक्सिमम हो रहा है और एक्स वन हर बार, एक्स वन की वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही जितनी ज्यादा एक्स टू की वैल्यू बढ़। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये रीजन होगा, इस वाले रीजन में आप अच्छी तरह नोटिस करें कि जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा आपकी सबसे ज्यादा आपकी इस पोर्शन में होगी, क्योंकि इस पोर्शन में एक्स टू का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे और लाइन का मैक्सिमम पोर्शन किस तरफ होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे, ये देखिए इस तरफ ज्यादा पोर्शन होगा हमारा। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि x2 की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। इस तरह से चलो, मूव करो कि हर बार x2 ज्यादा हो और x1 कम, तो वो वैल्यू इस तरफ की होगी। तो अब ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और अब देखिए ये किस और रीजन होगा, नीचे के ऊपर, तो मैंने आपको पहले बता दिया ये रीजन, ये रीजन ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं क्या इसका बाउंड सोल्यूशन मिलेगा। तो आप देखिए कहीं बाउंड सोल्यूशन नहीं है, ये तो इस तरह से इन्फिनिटी की ओर मूव करता जाएगा। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये मिला आपको, एल इसे कह देते हैं, और इधर कुछ नहीं है और इधर भी कोई पॉइंट आपको नहीं मिला। तो इसको आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप देख पा रहे हैं कि एक जो पॉइंट है ए का कॉर्डिनेट कितना है, 0,3, और L का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके। तो देख लीजिए यहां पर एक लाइन बच्चों क्या है, यहां पर एक लाइन है बच्चों, एक ही, एक तो लाइन ये है 2x1 x2 = 3, और एक ये है x2 - x1 = 0। तो हमने यहां x2 = x1 को यहां हमने रख दिया, तो 2x2 और x2 = 3, 3x2 = 3, x2 = 1, ये आया 1। तो ये जो 1 आया, x2 की वैल्यू 1 आ गई, अब इसका मान उठा के यहाँ रख दोगे तो x1 का मान भी 1 आ गया। तो अब ये समझ गए ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1,1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो L पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी, 1,1। लेकिन अब क्या इसके अलावा कोई फीजिबल रीजन में आपको वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, एक तो ये मिली एक ये मिली, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये पोर्शन इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं कवर कर रहा है, इसलिए वो तो हम ले नहीं सकते, है ना। हमें तो वो रीजन लेना होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन। इस क्वेश्चन में आपने ये चीज देखी कि ये दो पॉइंट्स मिले, लेकिन यहां ये चीज क्लियर है कि इट इज ए फीजिबल रीजन अनबाउंडेड। यहां पर देखिए क्या इसकी कोई सीमा आ रही है, इट इज अ केस ऑफ अनबाउंडेड फीजिबल रीजन एंड द वैल्यू। अब ए के लिए अगर हम वैल्यू निकालें और बी के लिए वैल्यू निकालें, तो हम यहां लिखते हैं फॉर ए जेड, जेड आपका था 6x1 + 0 + 3 = 3, और फॉर एल, एल के लिए अगर हम जेड के लिए निकालें तो 6 + 1 दैट बिकम्स 7। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक्सट्रीम जो पॉइंट है उनके लिए तो 3 और 7 वैल्यू निकली, लेकिन हम 7 को मैक्सिमम नहीं कह सकते। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे इस क्षेत्र में आगे आप बढ़ते जाएंगे, x1 x2 के मान भी बढ़ते जाएंगे, कौन सा पेयर होगा जिसके लिए वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमें मिल ही नहीं सकती। तभी ये केस क्या बन जाता है, इट इज अ केस ऑफ इन अनबाउंड सॉल्यूशन।
सिंपली इट इज अ केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। तो हमें ये याद रखना है, इसमें हमें यहां पे एक चीज याद रखनी है कि देयर आर सो मेनी पेयर्स ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू फॉर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकम मैक्सिमम, सो इट इज अ केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। तो हम यहां लिख देंगे तुरंत, सो इट इज ए अनबाउंड सॉल्यूशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर ये मिनिमाइजेशन का केस होता, सपोज करिए मिनिमाइजेशन का, तब हमारी ये वैल्यू 3 आ जाती। क्यों? क्योंकि देखिए हमें आगे तो बढ़ना नहीं है, हमें तो इसके कॉर्नर पॉइंट को, दो कॉर्नर पॉइंट मिल गए, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट के लिए हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू 3 थी, आपका फाइनल आंसर हो जाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का था जो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से अनबाउंड सॉल्यूशन होता। अनबाउंड में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, उसकी वैल्यू मिलेगी नहीं। और देखिए यहाँ पर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जो ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है उस वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सिंपली इट इज अ केस ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।